नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। देश में लोकसभा चुनाव का दंगल चल रहा है, लेकिन इस बीच यूपी की वीआईपी सीट रायबरेली से स्थानीय रंजिश की खबर ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर ली हैं। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मंगलवार को सदर क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह पर जानलेवा हमला हुआ तो बवाल हो गया। अदिति ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत प्रमुख अवधेश सिंह के कहने पर उन पर हमला किया गया। बता दें कि अवधेश सिंह रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह के भाई हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले जब अदिति सिंह लखनऊ से रायबरेली की तरफ जा रही थी, तब कई गाड़ियों ने उनका पीछा किया। रायबरेली के पास बछरावा टोल प्लाजा के पास उनके काफिले पर पथराव के बाद फायरिंग की गई। इसी दौरान जब अदिति सिंह की गाड़ी की रफ्तार तेज हुई तो गाड़ी पलट गई। इसी में अदिति समेत कई लोगों को चोट लग गई। अदिति सिंह गांधी परिवार की करीबी मानी जाती हैं और ऐसे में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनका हालचाल लेने रायबरेली जा सकती हैं। प्रियंका गांधी फुर्सतगंज एयरपोर्ट से भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। बता दें कि अदिति सिंह लंबे समय से राजनीति में धाक जमाने वाले अखिलेश सिंह की बेटी हैं। 2017 में रिकॉर्ड मतों से विधानसभा चुनाव जीतकर वह विधायक भी बनी थी। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़ रहे हैं न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।